जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का गाजीपुर में 2 दिवसीय कार्यक्रम निर्धारित हो गया है। इस कार्यक्रम में एलजी मनोज सिन्हा कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। संभावित कार्यक्रम के मुताबिक वह 23 दिसंबर को जम्मू से विशेष विमान से शाम 6 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पर उतरेंगे। उसके बाद सड़क मार्ग से देर रात तक गाजीपुर आएंगे और अफीम खारकाने के गेस्ट हाउस में रात्रि प्रवास करेंगे। 24 दिसंबर को सबसे पहले अपने पैतृक गांव मोहनपुरा मोहम्मदाबाद सुबह 10:30 बजे पहुंचेंगे और अपने कुल देवता का दर्शन पूजन कर 11:15 बजे हाटा गांव पहुंचेंगे। उसके बाद 11:30 बजे भावरकोल के सहरमा डी उनका आगमन होगा, जहां इंजीनियर अरविंद राय के संरक्षण में नवनिर्मित किनवार कीर्ति स्तंभ का श्री सिन्हा लोकार्पण करेंगे। फिर दोपहर 1:15 बजे जिला मुख्यालय से सटे बयपुर देवकली स्थित समाज सेवी संस्था उत्थान फाउंडेशन के परिसर में आएंगे और आमजन को प्राकृतिक चिकित्सा योग व्यायाम की सुविधा की उपलब्धता के लिए प्रस्तावित आरोग्य कुटी की आधारशिला रखेंगे। जिसके बाद 3:20 पर अफीम फैक्ट्री की गेस्ट हाउस लौटेंगे। एलजी मनोज सिन्हा 5:00 बजे रौजा स्थित बैजनाथ इंटर कॉलेज में अनुज मिश्र की ओर से आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचेंगे। फिर लौटकर अफीम कारखाना के गेस्ट हाउस में रात्रि प्रवास करेंगे। फिर दूसरे दिन 25 दिसंबर की सुबह 10:45 बजे सबरी महिला पीजी कॉलेज सिखड़ी के लिए रवाना होंगे। वहां आयोजित कार्यक्रम में भाग लेकर पंडित मदन मोहन मालवीय इंटर कॉलेज सिखड़ी के वार्षिकोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। उसके बाद 1:10 पर हथियाराम मठ में पहुंचकर बुढ़िया माई का दर्शन पूजन करेंगे। 1:30 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे और 3:40 पर विशेष विमान से दिल्ली के लिए उड़ जाएंगे। ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें।